हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे और आपके इस चैनल में। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक सीएचईवीएलई हो, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हो, तो आप सभी सीएचईवीएलई के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि यहां पर सीएचई की तरफ से एक न्यू सर्विस को लॉन्च किया गया है, जहाँ पर अगर आप एक सीएचईवीएलई हो तो किसी भी व्यक्ति के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप सभी सीएचईवीएलई को प्रत्येक रजिस्ट्रेशन 30 रुपये कमीशन देखने को मिलेगा। तो ऐसे में हम आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वह कौन सी सर्विस है और यहाँ पर किन किन लोगों के लिए आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और साथ में एक सीएचईवीएलई को किस प्रकार से कमीशन दिया जाएगा। इस वीडियो में आप लोग कंप्लीट देखने को मिलेगा, तो आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ में वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बेसिकली वह कौन सी सर्विस है। तो अगर आप सर्विस की बात की जाए तो वो सर्विस है यूडीएम रजिस्ट्रेशन, यानी कि यहाँ पर डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। जिन लोगों को पता नहीं कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ या नहीं, आप सभी को बता दें कि डिजिटल सेवा पोर्टल में बहुत ही पहले एमएसएमई रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका था। लेकिन वहाँ पर क्या होता था, जब भी आप एमएसएमई के लिए लॉगिन करते थे वहाँ पर आप सभी को डैशबोर्ड देखने को नहीं मिलता था। लेकिन अब यहाँ पर डिजिटल सेवा पोर्टल में प्रॉपर तरीके से एमएसएमई रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आप सभी को पता होगा कि जितने भी सीएचईवीएलई थे, आप सभी को यहाँ पर यूडीएम रजिस्ट्रेशन नंबर मैंडेटरी था इंटर करना, जिसके लिए आप यहाँ पर से अकाउंट के ऑप्शन में आते और माय प्रोफाइल के ऑप्शन में आते और यहाँ पर आप लोग को माय प्रोफाइल के सेक्शन में एक यूडीएम रजिस्ट्रेशन करके ऑप्शन देखने को मिलता था, जहाँ पर से आप लोग को अपडेट करना होता था यूडीएम रजिस्ट्रेशन। इस टाइम क्या हुआ था कि यहाँ पर डिजिटल सेवा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका था, लेकिन यहाँ पर एक सीएचईवीएलई रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर आप सभी को बता दें कि एमएसएमई आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है प्रॉपर तरीके से और आप डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से लॉगिन करके भी कर पाएंगे, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूडीएम रजिस्ट्रेशन थ्रू डिजिटल सेवा पोर्टल। एंड यहाँ पर बताया गया है कि आप यूडीएम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो रिटेलर और साथ में होलसेलर कोई भी प्रोडक्ट के लिए। एमएसएमई आप सभी को बता दें कि स्मॉल फाइनेंस जो भी स्टोर चलाते हैं या फिर होलसेल करते हैं, उन लोगों के लिए मैंडेटरी होता है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जिसके लिए प्रोसेस भी बताया गया है कि आप डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉगिन होंगे एंड यूडीएम रजिस्ट्रेशन लिखकर सर्च करेंगे, एमएसएमई का डिटेल को आप फिल करेंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे। और साथ में अगर कमीशन की बात की जाए तो एक सीएचईवीएलई को यहाँ पर 30 रुपये प्रत्येक रजिस्ट्रेशन का कमीशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें कि डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन यहाँ पर आप सभी को रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप सभी को कमीशन किस प्रकार से मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट में आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग कमीशन किस प्रकार से दिया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए बेसिकली आप सभी को क्या करना है, किसी भी व्यक्ति के लिए अगर आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सबसे पहले आप लोग को अपने डिटेल से पोर्टल पर सीएचईआईडी पासवर्ड इंटर करके लॉगिन हो जाना है। एंड यहाँ पर आप लोग लॉगिन होने के बाद सर्च के ऑप्शन में एमएसएमई या फिर आप लोग यहाँ पर से यूडीएम रजिस्ट्रेशन लिखकर सर्च करेंगे, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर से ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक न्यू ऑप्शन को ऐड किया गया है, लॉगिन विथ डिटेल सेवा कनेक्ट। एंड यहाँ पर अगर आपने जो भी सीएचईआईडी पहले से ही लॉगिन कर रखा है तो आप यहाँ पर से डायरेक्टली क्लिक करेंगे और जो भी एमएसएमई का ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप यहाँ पर से डायरेक्टली लॉगिन हो पाएंगे एंड जो भी आपका सीएचईआईडी होगा वो भी आप लोग को देखने को मिलेगा। जिस भी व्यक्ति के लिए आप रजिस्ट्रेशन करें उनका आप आधार नंबर इंटर करेंगे और जो भी उनका नेम है उसको आप यहाँ पर से इंटर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर से इंटर करने के बाद वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर से जो भी उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उसमें एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा, उस ओटीपी को आप लोग को एंटर करके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग को जो भी व्यक्ति के लिए आप रजिस्ट्रेशन करें उनका आप यहाँ पर से नेम और साथ में यहाँ पर से जो भी उसका यूडीएमई है उसका कैटेगरी को सिलेक्ट करके और साथ में जो भी बैंक डिटेल होता है उसको आप ऐड करके रजिस्ट्रेशन करेंगे और यहाँ पर से रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद आप लोग को एक रेफरेंस नंबर दिया जाता है जो कि जिस भी व्यक्ति के लिए आप रजिस्ट्रेशन करें उसको आप लोग को प्रोवाइड कर देना है। चलिए बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पर से किसी भी व्यक्ति के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप लोग को कमीशन किस प्रकार से दिया जाएगा। तो आप सभी को बता दें कि डिजिटल सेवा पोर्टल से आप लोग को बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, यानी कि कोई भी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर अगर आप लोग बात की जाए कि आप लोग को 30 रुपये कमीशन किस प्रकार से दिया जाएगा, तो यहाँ पर जिस भी व्यक्ति के लिए अगर आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उनसे आप लोग चार्ज कर लेना है 30 रुपये, यानी कि उनसे डायरेक्टली आप चार्ज ले सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से सीएससी के न्यू सर्विस यूडीएम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और इससे आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो आई होप अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं कि डिटेल से पोर्टल के माध्यम से किस प्रकार से एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप नीचे कॉमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।